असल वेलकम बैक टू हिस्मान आजा आर्ट इज़ यूट्यूब चैनल आज के जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू इंसर्ट एंड फुटर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेड एंड क्या होता है जी फुटर क्या होता है इनशाला आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम हैडर और फुटर से अपने डॉक्यूमेंट को और आसान बना सकते हैं आ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सबसे पहले यहाँ पर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेंगे ये हमारी ऐप है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ठीक है ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेंगे यहाँ पर आने के बाद स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे आ, रूलर ठीक है ये जो होते हैं यहाँ पर ये रूलर कैसे आते हैं ये जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बनाए इन रूलर्स को ज़रूर इंसर्ट किया करें शो किया करें तो क्यों क्योंकि इससे आप काफ़ी हेल्प हो जाती है ये कहाँ से अगर किसी के शो नहीं होते माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो मैं उसके लिए बता दूँ कि ये फाइल वाली होम पेज पर पे आए तो यहाँ पर अब टॉप पर आपको व्यू का बटन मिलेगा यहाँ व्यू पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रूलर इसको आपने टिक कर देना है तो ये आपको रूलर शो कर देगा अगर ये टिक हटा हुआ है तो इसको आप टिक कर दें तो ठीक है ये रूलर हमारा आ गया अब यहाँ इस रूलर से हमें पता चलता है ये पिछली वीडियोज़ में भी बता चुके हैं आपको कि यहाँ भाई जो ग्रे लाइन होती है इसका मतलब है कि इस लाइन पर आप काम नहीं कर रहे ठीक है ये मार्जिन होता है हमें पेज का मार्जिन जितना देता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने हमें शो किया हुआ है कि आपका पेज मार्जिन भाई इतना ही है इतने स्पेस से ही आपके काम करना है जिस तरह ये हॉरिजेंटली वर्क करते हैं उसी तरह ये वर्टिकली भी काम करता है यहाँ से लेकर यह तक ये इसका टॉप मार्जिन है और ये इसका बॉटम मार्जिन है ठीक है अब हम आते हैं हेडर में हेडर होते हैं जी टॉप ऑफ द पेज इस एरिया को कहते हैं और फुटर होता है बॉटम ऑफ द पेज सबसे लास्ट में जो चीज़ होती है ठीक थी, है अब ये आता कैसे है शो कैसे होता है ये मैं आपको बता दूँ जब आप यहाँ पर आते हैं ये ग्रे एरिया में ठीक है ये जो ग्रे एरिया यहाँ पर जब आप आते हैं और यहाँ पर आकर आप कर्सर लाते हैं और इस पर डबल क्लिक करते हैं तो आपका हेडर और बॉटम पर फोटर शो हो जाता है इस तरह से आपको ये शो हो जाता है अच्छा अब देखिए पहले हमारे पास पूरे पेज पे मार्जिन जो था वो यहाँ पर था अब ये देखिए यहाँ पर ये बॉटम मार्जिन शो कर रहा है और यहाँ पर ये मार्जिन मतलब इस एरिया में हम काम कर सकते हैं हेडर में हम इस एरिया में काम कर सकते हैं और फुटर में हम इस एरिया में काम कर सक ये जो दरमियान का एरिया है जो ग्रे शो कर रहा है मतलब इसमें हम काम नहीं कर सकते क्यों क्योंकि ये हेडर एड एंड फोटर जब हेडर एंड एंड फोटर हम हटा देंगे क्लोज कर देंगे तो ये रोलर चेंज हो जाए ठीक है फिर ये वाइट शो करेगा और हेडर एंड एंड फोटर को ग्रे शो करेगा उम्मीद करते हो आपको मेरी बात समझ आई हो ठीक है तो हम अगेन हेडर ऑन कर देंगे हेडर पोस्टली हेडिंग्स के लिए यूज़ होता है डेट्स के लिए यूज़ होता है डॉक्यूमेंट में uh, कोई कंपनी अपना अपनी इन्वाइस बना रही है अपना लेटर हेड बना रही है अपना आ, क्या कहते हैं सर्टिफिकेट बना रही कुछ भी बना रही है कोई भी अपना लीगल डॉक्यूमेंट बना रही है तो वो उसके लिए हेडर यूज़ करती है मतलब हेडर में अपना लोगो ही यूज करती है तो मैं आपको प्रैक्टिकली ये करके शो बता भी देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए लाइफ में अगर, अगर अपनी कंपनी का आर्टिस्ट का आ, कोई भी लेटर हेड ड्रा कर बना रही है तो मैं कैसे बनाऊँगी मैंने थोड़ी सी यहाँ से शेप ली कोई भी रैंडम शेप उठा रही हूँ अच्छा मैं आपकी अपनी मर्ज़ी आप कोई भी शेप इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पर नो आउट लाइन की और यहाँ पर मैंने इसको ग्रे कलर कर दिया ठीक है अब मेरे पास सिर्फ ये मार्जिन है मैं इस मार्जिन में काम कर सकती इससे ना नीचे ना ऊपर ठीक हो गया तो मैंने यहाँ पर ही क्लिक रखा और हेडर एंड फोटर पे गई मैं और यहाँ पर मैंने आकर अपना लोगो इंसर्ट कर दिया लोगों कैसे इंसर्ट करेंगे यहाँ पर हम आएंगे इंसर्ट पे वही वाला काम आप कर सकते हो ठीक है कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर मैं आई और मैं अपने आर्ट वर्क पर जाके और मैंने यहाँ से अपना लोगो उठा दिया ये मेरा लोगो है इसको मैं आ, इन, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दूँगी इसको थोड़ा सा शो छोटा कर देंगे और मैं चाहती हूँ कि ये मिड ऑफ़ द पेज मुझे नज़र आए तो मैंने इसको मिड ऑफ़ द पेज ऐसे इंसर्ट कर दिया अब इस लाइन का मतलब ये है कि आपका मार्जिन इस लाइन से नीचे होगा चाहिए समझ आई मतलब ऊपर होना चाहिए मतलब इस लाइन को अगर आपने क्रॉस कर दिया तो आप जो टेक्स्ट यहाँ पर लिखोगे वो इस लाइन के ऊपर भी आएगा तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखते हैं तो मैं इसको ऐसे या मैं यहाँ से रूलर से थोड़ा सा अपना मार्जिन नीचे कर लेती हूँ ये भी आप कर सकते हैं अब देखिए जो टेक्स्ट मैं लिखूँगी वो लोगों के ऊपर नहीं आएगा दोबारा क्लिक करती हूँ अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देती हूँ अब देखिए रूलर नीचे चला गया थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा कर दिया थोड़ी सी मैंने शेप भी नीचे कर दी ठीक है और इसको मैंने ये थोड़ा सा मेरे से एडजस्ट कर पोगे ओके अब ये मेरा मिड ऑफ द पेज जो है ये लोगो इंसर्ट हो गया है ठीक है अब आप कह रहे होंगे ये तो हमें मैन्युअली करना पड़ेगा भाई हर पेज पे जाके हमने ये शेप डालनी पड़ेगी ये तो ऐसा कुछ नहीं है हैटर का फंक्शन ही यही है कि वो ऑटोमेटिकली हर पेज पे यही सेम इमेज और सेम शेप uh, जो है वो इंसर्ट करेगा कैसे करेगा मैं आपको करके दिखा देती हूँ मैंने कर लिया अब मैं इंटर करती हूँ और मैं नेक्स्ट पेज पे जाती हूँ ये देती हूँ सेम वही शेप और वही लोगो इसने मुझे यहाँ पर शो किया अब मैं जितने भी पेज ओपन करूँगी ये मुझे सेम पोजिशन पर ये चीज़ें इंसर्ट करके देगा मुझे मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है कि मैं एक एक पेज पे जाऊँ और यहाँ से कॉपी करूँ यहाँ पेस्ट कर उन पर पे, यहाँ पेस्ट करूँ तो ऐसा कोई सीन नहीं अच्छा अब मैं चाहती हूँ कि मेरे फर्स्ट पेज पे ना आए बाकी सारे क्वेज पे आए तो मैंने क्या किया यह, यहाँ पर डबल क्लिक किया हेडर एंड फुटर में मैं दोबारा आई इसको मैंने किया डिफरेंट फर्स्ट पेज ठीक हो गया ये देख सक फर्स्ट पेज गायब हो गया फर्स्ट पेज हेडर चला गया यहाँ से बाकी सेकेंड पेज से ये है, सारे हेडर एंड फुटर फोटर जहाँ तक मैं भी जाऊँ कर सकती हूँ अब मैं चाहती हूँ फर्स्ट पेज पर पे आए लेकिन इवन पेजेस पे आए या ऑर्ट पेजेस पे आए अब ये देखे सिर्फ ऑर्ट पेजेस पे आपका लोगो ये शो करेगा नहीं भाई इवन पेजेस पे आए अब ये इवन पेजेस पे शो करेगा ठीक है मैं चाहती हूँ सारे पेजेस पे आए तो आपने इस इन में से दोनों में से किसी को क्लिक नहीं करना सारे पेजेस पे ये आपको हेडर शो करेगा उम्मीद करती हूँ आपको हेडर समझ आ गया होगा अब आते हैं हम फुटर फुटर है बॉटम ऑफ द पेज ये एरिया ठीक है इस एरिया पर आके मैंने डबल क्लिक किया मेरा फुटर ऑन हो गया अब इस वाइट एरिया का मतलब है कि मैं इसी मार्जिन पे काम कर सकती हूँ इससे ना ऊपर ना नीचे ठीक हो गया फुटर में मोस्टली लोग कॉपी राइट इशूज़ लिखते हैं एड्रेस लिख देते हैं कॉन्टेक्ट नंबर हो गए इस तरह की चीज़ें लिख लिख देते दे। हैं तो मैं भी इसी तरह कर लेती हूँ मैंने यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया अच्छा एक और चीज़ टेक्स्ट बॉक्स या कोई भी डिज़ाइनिंग करने से पहले आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में पेज नंबरिंग आए फुटर में तो सबसे पहले आप पेज नंबरिंग डालेंगे वरना वो हट जाएगी तो मैं यहाँ पर आई पेज नंबर मैंने यहाँ पर क्लिक किया मैं बॉटम ऑफ की पेज अपना नंबरिंग चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पर ये सेलेक्ट कर ली फॉर एग्जाम ठीक है आपकी अपनी मर्जी आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं so, सो मैंने थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं आप इसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं आपकी अपनी चॉइस है अभी पेज नंबर आ गया ये देखिए पेज नंबर टू शो कर रहे हैं टू शो कर रही है आगे मैं आपको बताते पहले मैं इस पर शेप इंसर्ट करूँ ठीक है यहाँ पर मैंने वही रेंडम सी शेप उठाई और ये मैंने यहाँ पर इस तरह से इंसर्ट कर ठीक हो गया यहाँ पर अब मैं चाहती हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट को कोई कॉपी ना करे तो यहाँ पर छोटा सा मैं लिख लेती हूँ टेक्स्ट बॉक्स डाल के कॉपी राइट रिजर्व ठीक हो गया ये हो गया जी कॉपीराइट रिजर्व इसकी फिलिंग हटा देते हैं इसकी आउटलाइन हटा देते हैं इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं और ये हमने कॉर्नर में कहीं भी पेस्ट कर दिया ये देखें या चले मिड ऑफ दी डॉक्यूमेंट मैंने इसको ऐसे पेस्ट कर दिया अब अब मैं आपको शो करती हूँ कि ऑटोमेटिकली ये कैसे नंबरिंग करते अब मैनअली तो मैंने नंबर नहीं लिखा वन टू थ्री फोर पेज नंबर दिस पेज नंबर दिस नहीं मैंने एंटर किया दिस इज़ पेज नंबर वन ठीक है दिस इज़ पेज नंबर टू सोन जितने भी पेजेस आप डॉक्यूमेंट में यूज़ करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपके पेजेस को चेंज करता रहेगा उसमें नंबरिंग डालता रहेगा अब यहाँ पर मेरे टोटल नंबर ऑफ पेज कितने हुए थर्ट अलेवन ये चेक करें आप मैंने कोई मैन्युअली काम नहीं किया कोई मैनअली मैंने यहाँ पर मैंने जस्ट एक पेज पे मेहनत की जिसमें तो मेरी हार्डली पाँच मिनट लगे ठीक है क्योंकि मैं आपको समझा रही थी तो पाँच मिनट लगे ऐसे आपके हार्डली टू मिनट्स लगेंगे सिर्फ़ एक पेज को डिज़ाइन करने में और बाकी सारे पेजेस ऑटोमेटिकली डिज़ाइन हो जाएंगे तो ज़रूरी नहीं आप इसी मार्जिन पे काम करें अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इस साइड पे भी थोड़े से डिज़ाइन लेकर कर आऊँ तो मैं ये भी आपको शो कर देती हूँ ठीक है लाइक like मैं चाहती हूँ कि इधर इसी तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स पर आए ठीक है मैं ये चाहती हूँ ये देखें जैस जो काम मैं एक डॉक्यूमेंट में कर रही हूँ वो ऑटोमेटिकली सारे डॉक्यूमेंट्स पे हो रहा है मुझे कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं सिर्फ एक डॉक्यूमेंट मैंने मेहनत करनी है ये देखी ऑटोमेटिकली उसने सारे डॉक्यूमेंट्स पे वो ही वाली शेप इंसर्ट कर दिए तो वो आ, शेप इंसर्ट कर सकते हैं आप लोग आप सोचोगे इन्होंने कहा कि भाई पहले आ, हम इस मार्जिन पे काम नहीं कर सकते शेप पे काम कर सकते हैं पिक्चर आप इंसर्ट कर सकते हैं टेक्सट आप नहीं डाल सकते यहाँ पे ठीक है इस मार्जिन में अब मैं यहाँ डबल क्लिक करती हूँ ये देखें आई होप सो कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो आपने इससे कुछ सीखा हो और आपका काम आगे आ, आसान हुआ मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है मैं डॉक्यूमेंट को ईज़िली क्रिएट कर सकती हूँ तो आपके लिए भी ऐसी आसानियाँ हो आप भी आ, सीखें और ईज़िली कर सकें आ, मैंने भी यूट्यूब से बहुत से यूट्यूबर से सीखा है और Uh, अब मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला है ताकि मैं भी अपने एक्सपीरियंस लोगों तक शेयर कर सकूँ और लोग मुझसे कुछ सीखें तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा लाइक करें कमेंट में अपना रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा जो मेरे लिए बहुत बो, इम्पोर्टेंट uh, है थैंक यू अल्लाह हाफिज़